हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौट पाया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि येलो अलर्ट के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 28 जुलाई तक प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 385 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 109% ज्यादा है। फोरकास्ट की बात करें तो अभी जो ये एक्टिव वेट स्पेल चला है, ये आगामी 5-6 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके चलते देखिए अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे हिमाचल में ही होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है, जो हमारे प्लेन और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हैवी रेन एक दो स्थानों में होने की संभावना है। साथ में लाइटिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिव होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में ही, मैक्सिमम टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी। इसलिए 24 से लेके 28 तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट है येलो कैटेगरी में। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू और शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे है हैवी रेनफॉल का अलर्ट, वो भी एक दो स्थानों में आने की संभावना रहेगी जो आगामी 5-6 दिन में। फिर 29 तारीख के बाद 29-30 को थोड़ी मौसम में थोड़ी जो एक्टिविटी उसमें थोड़ी कमी आएगी, आने की संभावना है। देखिए अगर मौसम के आंकड़ों की बात करें तो अगर जुलाई माह की बात करें तो अभी देखिए 385 बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 109% अधिक है। जुलाई माह की बात करें उसमें हमारे किन्नौर, कुल्लू है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, जहां तकरीबन 150% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी मतलब सामान्य से अधिक है। और अगर पूरे मानसून सीजन की ही बात करें तो देखिए अभी पूरे प्रदेश में सामान्य से 77% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है, कुल्लू है, तो यहाँ पे मतलब 150% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर की बात करें वहाँ 100% अधिक रिकॉर्ड की गई है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी सामान्य से अधिक की बारिश रिकॉर्ड की गई है अभी तक। जैसे एडवाइजरी है क्योंकि देखिए बीच बीच में जैसे हैवी स्पेल भी मतलब होने की संभावना रहती है एक दो स्थानों में, तो जो वाटर सोर्सेज हैं उसके नज़दीक न जाएँ और थोड़ी लैंडस्लाइड की होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस रेन हो रही है। मतलब पिछले दिन अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी मतलब कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। सिरमौर में भी रिकॉर्ड की, धौलागुआ में 40 mm के आसपास। तो एडवाइस ये है कि जो वाटर सोर्सेज हैं, नदी नाले हैं, उसके आसपास ना जाएं। और अगर विजिबिलिटी वगैरह भी मतलब ड्रॉप होने की संभावना रहती है, जैसे शिमला है, सिरमौर है, तो जैसे एक्टिविटी शुरू होती है तो उसमें विजिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, तो ड्राइविंग वगैरह भी सेफ करें। बता दें कि प्रदेश के अंदर बरसात के कहर से 600 से ज्यादा सड़कें और 4 नेशनल हाईवे फिलहाल बंद हैं। 359 बिजली ट्रांसफार्मर, 324 जल परियोजनाएं अभी भी बहाल नहीं हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।